इमाम से एक अपील करूंगा कि आप टोल टैक्स फ्री करवा दीजिए आज, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो कुछ निर्णय हम पंचायत के बाद लेंगे। अभी यही है कि हरियाणा में टोल टैक्स फ्री हो, पंजाब में। मैं सारे किसान नेताओं से अपील करता हूं कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 28 मई को हम नई संसद के सामने महिला सम्मान महापंचायत करेंगे, और बस बार बार यही अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक हमें आगे बढ़ना है। 11:30 बजे हम यहां से जो है आगे बढ़ेंगे, और जो बॉर्डरों पर रोके गए हैं या उससे भी पहले रोके गए हैं, उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ें, कोई भी हिंसा ना करें। और मैं कहना चाहूंगी कि पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी हमारे किसान नेता हैं, महिला संगठन जो हमारे सम्मान में यहाँ आ रहे थे, सबको डिटेन कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। तो एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो ये बिल्कुल ही असहनीय है। तो बस बार बार हम यही अपील करते हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करो, छोड़ दिया जाए उन्हें। वो हमारे सम्मान की लड़ाई के लिए आ रहे हैं, बेटियों की सम्मान की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। हाँ, और दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगी जो भजन ने बोला है, जो भी हमारे किसान संगठन है, खाप पंचायत है, उनसे अपील है। जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो। हम आपके साथ खड़े हुआ, तो गलत है क्या? कमाल कर रहे हो, तब कसाई भी पीटलों का पीट ले। पीछे हटवाए, बोतल ठीक है, आ जाओ। वही स्थान है जिसे असी जीत के गए सी। ते हमारा जो जमहूरी अधिकार है प्रोग्राम करने का, उनको रोक कर कानून अपने हाथ में गैर कानून तरीके से ले रहे हो आप। जायज नहीं है, जायज नहीं है, डेमोक्रेसी है, ये हमारा अधिकार है। ना तो आपको ये कि मैंने आपको भाई इस चीज को तो मैं जो चीज थी ना, जो बात जो गाइडलाइन थी, मैं आपको बता रहा था, वो समझा रहा हूँ। देखो और बात करें, मैं तो कुछ गलत भी नहीं बोला, हमारी भी गाइडलाइन, कोई नहीं बोला। एक मिनट, गलत नहीं, ठीक क्या बोला आपने, ये बताओ आप। हमने को जाने दो, हमने जाना है और हम नहीं और रहेंगे यहाँ पर। भाई बात हमारी तो इतनी है,
जो कहनी चाहते अपने उच्च अधिकारियों से बात की जाए, बात करो, रोड जाम हो जाए, प्रोग्राम को अपना भी फैसला पूरे संयुक्त मोर्चे से, पंजाब से जितने संगठन आएंगे उनसे विचार के हम भी अपना एक्शन फिर लेंगे, फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, जो नुकसान होगा आपकी जिम्मेवारी। जो हरियाणा है ना वो भी हमारे साथ आएगा, बिल्कुल हरियाणा सभी गए तैयार बैठे हैं, अपेक्षा करो हमारी। मोदी सरकार से बहुत जड़ी आ समय की सरकार से तमाशा आ कि जड़िया साड़िया मंत्री पद्धर से साड़िया धीरा भैं खेड के आईया बार फोर्स लगे नाका तोड़ के जरा वा बहर आके जरा अस मोर्चा लाया हुआ गुरुद्वारे के अंदर बंद नहीं रहना, तो दूजे बन्ने जी भारी पुलिस फोर्स है, तुम देख सकते हो बहुत वही पद्धर से फोर्स लगी हुई है, आप पूरे हरियाणे में ये फोर्स लगी हुई है, तो पूरी फोर्स आ जरा अंबाला मंजी साहब गुरुद्वारा उत्थे ही साडा मोर्चा चल रहा जंतर मंत्र से बैठिया पहलवाना दे हक दे विच देख सकते जे कि इतने असं गुरुद्वारा मंजी साहब मौजूद हैं और इतों जो जंत्र मंत्र वाल सा मोर्चा शामिल होने सा काफिला बढ़ रहा है सुबह सवक्ते का टाइम है और महिला पुलिस आ जेंट्स पुलिस आ सारा देखो धरने जाने तो जरा रोकने वास्ते कि तरीके बैरीकेडिंग की गई है सड़क के उत्ते और पुलिस बल जड़े आ तैनात किए गए आ कारण यही आ कि शायद सरकार दी जिहड़े इस तरीके दे इरादे आ कि इहोजे लोगों नूं शह देनी आ वध तों वध ते पुलिस फोर्सां दा जिहड़ी आ नजायज वरतों करके जिहड़ी आ लोगों दी आवाज आ जिहड़ी उह दबणी आ जद कि शांतमई तरीके दे नाल बिल्कुल जिहड़ा आ अपना प्रदर्शन आ उहदे वास्ते आपां जा रहे सीगे। सो देख सकदे हो तुसीं कि किहड़े तरीके दे नाल इत्थे जिहड़ा हैगा आ ओह कीता होया इन्हां ने रोकिया होया रस्ता रोक के पुलिस बल खड़े आ साहब दे बाहर फोर्स दे लगे नाका तोड़ के जिहड़ा वा बाहर आके जिहड़ा असीं मोर्चा लाया होया गुरुद्वारे के अंदर बंद नहीं रहना, तो दूजे बन्ने जी भारी पुलिस फोर्स है तुम देख सकते हो बहुत वही पद्धर से फोर्स लगी हुई है, आप पूरे हरियाणे में ये फोर्स लगी हुई है, तो पूरी फोर्स आ जरा अंबाला मंजी साहब गुरुद्वारा उत्थे ही साडा मोर्चा चल रहा जंतर मंत्र से बैठिया पहलवाना दे हक दे विच। भाई आज दिल्ली चलो का प्रोग्राम था क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की महापंचायत है आज, तो हमारा उसमें जो साथी किसान भाई गए थे उनको एक जगह थाने में गिरफ्तार कर लिया है, कुछ हमारे किसान भाइयों को उचियाना थाने में भी गिरफ्तार किया गया है, तो मेरा उचियाना पूरे इलाके से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उचियाना धरने पर पहुँचो, हम थाने का घेराव करके हमारे साथियों को छुटाने का काम करेंगे। इसी प्रकार जहाँ भी पूरे हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर जिन किसानों भाइयों को गिरफ्तार किया गया अपने अपने इलाके में सारे किसान भाई इकट्ठे होकर अपने अपने थानों से छुटाने का काम करो और दिल्ली ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का काम करो। अब ये तानाशाही की हद हो चुकी है, इसलिए मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से कि अपने ट्रैक्टर लेके आना, वैसे सरकार मानने वाली नहीं है, अपने किसान भाइयों को थाने से छुटवा के ना और अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कुछ करने का काम करो, जितने भी बैरिकेड रास्ते में उनको तोड़ने का काम करो, ये तानाशाही हो चुकी है, हमें अब दिल्ली को चारों तरफ से घेरना होगा। दिल्ली का जिस प्रकार से 13 महीने हमने
दम घोटने का काम किया था, चारों तरफ से घेरने का काम किया था। समय आ चुका है लोगों, अब इसको दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का, इसलिए सरकार की तानाशाही की कोई हद होती है। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका, पहले हमारी फसल बचाने की लड़ाई थी, हमारी जमीन बचाने की लड़ाई है, अब बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई है। जब बेटियों का ही मान सम्मान नहीं, हमारी बेटियां जंतर मंतर पर एक महीने से भी ज्यादा समय से बैठी हुई है, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान सम्मान विदेशों में ऊंचा करने का काम किया, विदेशी धरती पर झंडा लहराने का काम किया, हमारे मान सम्मान को बढ़ाना का काम किया, आज वो न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारी उन बेटियों के लिए, देश की आन बान और शान के लिए आप घर से निकलने का काम करें और अपने अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर पहले तो अपने थानों से उन किसानों भाइयों को छुटवाने का काम करें, उसके बाद दिल्ली कुछ करने का काम करें। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीसगढ़ का भाईचारा, जय जवान, जय पहलवान। आपको रिपोर्ट दे रहा है कि हाँ, इसको अगर ना करें
आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको बार बार भोग लेना है। आप कृपया ध्यान रखें, इस बात का ध्यान दें, किसी भी तरह की यात्रा पैदल जाना अलाउ नहीं है। आज हमारा नया संसद बना हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, आप कृपया ध्यान दें। आज किसी भी तरह की यात्रा करना कोई मास्क निकालना उसके अगेंस्ट जाना देश के विरुद्ध है। आप इसके बाद को ना करें, आपका खिलाफ एक्शन हो जाएगा। आप किसी तरह किए जा रहे हैं, बार बार आप इस तरह से ना करें, कोई मास्क ना निकाले, कोई धरना ना दे, आपको बार बार फोन किया जा रहा है। मैं वाली से भी करता हूँ।